नमस्कार, YouTube चैनल एन इन योर स्टडी में आपका स्वागत है। आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे हरियाणा करंट अफेयर सितंबर 2017 का भाग एक। सितंबर महीने की करंट अफेयर को हम दो भागों में डिस्कस करेंगे। शुरू करते हैं पहला प्रश्न। स्वच्छ विद्यालय पुरस्कार योजना 2016 के तहत राष्ट्रीय अवार्ड प्राप्त करने वाला आरोही मॉडल स्कूल किस जिले में स्थित है? इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी, कैथल जिले में। कैथल जिले में कैलायथ में रामगढ़ पांडवा में स्थित आरोही मॉडल स्कूल को स्वच्छ विद्यालय पुरस्कार 2016 1 सितंबर 2017 को केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर द्वारा प्रदान किया गया। शुरू में देश में से 100 स्कूलों का चयन हुआ था, उनमें 70 स्कूल ग्रामीण और 30 शहरी स्कूल शामिल थे, जिसमें इस स्कूल को राष्ट्रीय अवार्ड प्रदान किया गया। साउथ अफ्रीका डरबन में आयोजित मिसिज यूनिवर्स प्रतियोगिता में टॉप 5 में जगह बनाने वाली श्वेता अठवाल किस जिले से संबंधित है? इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन डी, यमुनानगर। अगला प्रश्न है, वित्त मंत्री कैप्टन अभिमन्यु किन दो जिलों के लोक संपर्क व शिकायत निवारण समिति के अध्यक्ष नियुक्त किए गए हैं? इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी, अंबाला और जींद। और अगर हम बात करें इसके अतिरिक्त, हरियाणा के कृषि मंत्री ओम प्रकाश धनखड़ को रोहतक व चरखी दादरी और स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज को कैथल और पानीपत, लोक निर्माण मंत्री राव नरवीर को जज्जर और रेवाड़ी, शहरी स्थानीय निकाय मंत्री कविता जैन को पंचकुला व यमुनानगर, उद्योग मंत्री विपुल गोयल को महेंद्रगढ़ व पलवल और सामाजिक न्याय व अधिकारिता राज्य मंत्री कृष्ण कुमार बेदी को सिरसा व फतियाबाद, खाद्य आपूर्ति राज्य मंत्री कर्णदेव कंबोज को कुरुक्षेत्र, जन स्वास्थ्य अभियांत्रिक राज्य मंत्री डॉक्टर बनवारी लाल को हिसार व नू, और खान व भू विज्ञान राज्य मंत्री नायब सिंह को करनाल, जिला लोक संपर्क व शिकायत निवारण समिति का अध्यक्ष ये बनाए गए हैं। अगला प्रश्न है, 24 सितंबर से 28 अक्टूबर तक चलने वाले खेल महाकुंभ की शुरुआत किस जिले से होगी? इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी, करनाल से। और इस खेल महाकुंभ का समापन 28 अक्टूबर को हिसार में होगा और यह जो प्रोग्राम है यह स्वर्ण जयंती कार्यक्रम के तहत आयोजित किया जाएगा। और इसमें जो खेल मेन जो खेल आकर्षण का केंद्र रहेगा वो रहेगा कुश्ती, और इसमें रेसलिंग में 16 विदेशी और 26 भारतीय पहलवान दमखम दिखाएंगे। और इस खेल महाकुंभ में WWE रेसलिंग की कमान खुद द ग्रेट खली संभालेंगे। अगला प्रश्न है, विश्व का पहला आयुष विश्वविद्यालय कहाँ स्थापित किया जाएगा? इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन डी, कुरुक्षेत्र में। देश के वर्तमान राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने इस विश्वविद्यालय की स्थापना के लिए अपनी स्वीकृति प्रदान कर दी है और यह विश्वविद्यालय अपनी तरह का पहला विश्वविद्यालय होगा जिसको अंतर्राष्ट्रीय मानकों के अनुरूप तैयार किया जाएगा। तकरीबन 100 एकड़ में बनाए जाने वाले इस विश्वविद्यालय में आयुष की सभी शाखाओं के उत्कृष्ट अध्ययन एवं उपचार की व्यवस्था की जाएगी। अगला प्रश्न है, केंद्रीय सड़क परिवहन राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने हरियाणा राज्य के किस शहर में ई रिक्शा की शुरुआत की? इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन डी, गुरुग्राम। और अगर हम इस व्यवस्था की बात करें तो इसमें मेक इन इंडिया के तर्ज पर इन ई रिक्शा का निर्माण किया गया है जो GPS ट्रैकिंग और सेंसर जैसी सुविधाओं से लैस है। स्मार्ट ई रिक्शा ने अपनी सेवाओं के लिए बेहद ही किफ़ायती कीमतें रखी। पहले 2 किलोमीटर के लिए 10 रुपये और आगे की दूरी के लिए 5 रुपये प्रति किलोमीटर निर्धारित किया गया है। अगला प्रश्न है, हरियाणा सरकार ने किस जिले के राजकीय बहुतकनीकी संस्थान का नाम बदलकर महर्षि कश्यप राजकीय बहुतकनीकी संस्थान कर दिया है? इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी, पानीपत। अगला प्रश्न है, सैनिक कल्याण अधिकारियों की भर्ती के लिए अधिकतम आयु सीमा क्या होगी? इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी, 57 वर्ष। हरियाणा सरकार ने हाल ही में एक निर्णय लिया है जिसके तहत सैनिक एवं अर्धसैनिक कल्याण विभाग के निदेशक तथा सहायक सचिव व अतिरिक्त निदेशक तथा जिला सैनिक एवं अर्धसैनिक कल्याण कार्यालयों के जिला सैनिक कल्याण अधिकारियों
तथा अतिरिक्त निदेशकों के पदों पर भर्ती के लिए अधिकतम आयु 57 वर्ष होगी, जबकि उनकी सेवानिवृत्ति आयु 60 वर्ष होगी। अगला प्रश्न है, हरियाणा सरकार द्वारा किस ग्रुप की भर्तियों में साक्षात्कार खत्म करने की स्वीकृति प्रदान की गई है? इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी, सी और डी ग्रुप की भर्तियों के लिए इंटरव्यू व्यवस्था को खत्म करने का निर्णय हरियाणा सरकार द्वारा लिया गया है। अगला प्रश्न है, साइबर सिक्योरिटी पॉलिसी लागू करने वाला हरियाणा देश का कौन सा राज्य है? इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए, पहला राज्य है। केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद ने गुरुग्राम में आयोजित डिजिटल हरियाणा समिट के दौरान मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर की उपस्थिति में देश की पहली साइबर सिक्योरिटी पॉलिसी 2017 लॉन्च की और हरियाणा इस पॉलिसी को लॉन्च करने वाला पहला राज्य बन गया है और इसका प्रमुख उद्देश्य साइबर अपराधों पर अंकुश लगाना और इसके तहत हरियाणा राज्य में साइबर पुलिस थाना भी स्थापित किया जाएगा। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा आप इसको लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं अपने दोस्तों के साथ, स्टूडेंट्स के साथ और एन यूनिवर्सिटी को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जल्दी हाजिर होते हैं हरियाणा करंट अफेयर सितंबर 2017 का भाग 2 लेकर। तब तक के लिए धन्यवाद, आपका दिन शुभ रहे।